सोलो ट्रैवल करने से ना ये एक दिक्कत है। अच्छा, मैं तो डर गया था। फर्स्ट गियर पे लगा के इंजन ब्रेक पे चल रहा हूँ। और करो एडवेंचर, ऐसे रास्तों पे चला नहीं सकते। कैमरे पे पता नहीं कितना समझ पा रहे होंगे आप लोग, ऐसा स्टीव है। एक तो फटी पड़ी है मेरी, ये तो रास्ता ही बंद है यार। थैंक यू, कसम से बोल रहा हूँ, काफी डेंजरस रोड है। देखा, गुड मॉर्निंग सबको। मेरा बिलिंग वगैरह कर दीजिएगा। टोटल कितना हुआ? 11,970। जीपे करेंगे? हाँ। तो ये आज मेरा लास्ट ब्रेकफास्ट अनिनी में। चले? ओके। सी यू। बाय। दे दे दे। बाय बाय। थैंक यू। ओके सर, बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस अमेजिंग अरुणाचल प्रदेश सीरीज में। आज है 10वां दिन। हम 17 को निकले थे दिल्ली से और आज है 27 फरवरी 2024। और आज हम अनिनी से विदा लेते हुए हम बढ़ रहे हैं तवांग की ओर, जो कि यहाँ से 24 घंटे का रास्ता है। बट जाहिर सी बात है, हम 24 घंटे ट्रैवल नहीं करेंगे कॉन्स्टेंटली, हम बीच में हॉल्ट लेंगे। एंड फिलहाल सबसे पहला हॉल्ट हमारा तिनसुकिया में है, जो यहाँ से लगभग 10 घंटे का रास्ता है, नहीं 12 घंटे का रास्ता है। यहाँ के लोग जब हॉकी को देखते हैं तो मतलब पता नहीं क्या समझता है, शेर समझता है या पता नहीं बोलते, वो इतना बड़ा कुत्ता, वो ये एक्सप्रेशन ही अलग होता है उनका। पेट्रोल नील है भैया, कब आएगा पेट्रोल? पेट्रोल नीचे पंप से ले लो। नीचे पंप है? अच्छा, यहाँ से सीधा सीधा वो जो गाड़ी जा रही है उसके पीछे पीछे ना। अच्छा, मैं तो डर गया था। मैं डर गया था, मैं सोचा एक ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे। मैंने अभी पेट्रोल फुल किया टैंक और फिर माइलेज रिसेट किया, उसके बाद देखो लगभग चलाऊ मैं कुछ किलोमीटर, 29 दिखा रहा है फ्यूल इकोनॉमी। बाप रे बाप, पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ। ये जो सामने दिख रहा है आपको गाय की तरह, यहाँ के लोग इसे मिथुन कहते हैं। नहीं, नहीं कोई शक, बिल्कुल मुझे शक था, मैं सोचा ये यक है, लेकिन ये तो मिथुन निकला। देखिए, उस दिन रात को मैं इस रास्ते से गुजरा था तो बिल्कुल बारिश हो रही थी और कीचड़, पूरा कीचड़। अभी तो दो दिन से बारिश नहीं है तो थोड़ा सा सूखा है, सूखा तो नहीं है फिर भी मैं कहूँगा, लेकिन उस टाइम सोचिए क्या हालत हुआ होगा मेरा, मतलब इतना ज़्यादा कीचड़ और नीचे दिखे खाई। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता तो मैं और स्कूबी चला जाता स्वर्ग, मैं चला जाता नर्क। स्कूबी नहीं, ऑगी। ऑगी, सॉरी ऑगी। अभी भी टायर स्किड कर रहा है, इतना ज्यादा फिसलन है। तो उस टाइम देखिए, तब अब तो बारिश नहीं है फिर भी ये हालत था, उस टाइम बारिश थी और ये रोड था, मेरा फटके बाहर आ गया था। क्या चीज फटके? देखो इतनी बड़े बड़े बोल्डर पत्थर गिरे हुए हैं। हमारे फ्रेंड्स को बोलो कि इस बात पे तो लाइक बनती है, इस बात पे लाइक क्या, लाइक हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब बनता है, पूरा मैन वाइज खतरों लाइक तो है ये वीडियो, लाइक के लायक। देखो ये यहाँ पे इतना ज्यादा स्कीड हुआ था, ये तो अभी दिख रहा है मुझे, उस दिन तो बारिश की वजह से, बारिश और कोहरा की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, बस मुझे सीधा घोरों की तरह सिर्फ रास्ता ही दिखाई दे रहा था। अभी देख रहा हूँ दाएं बाएं तो ये देखिए पूरा खाई है नीचे। अरे बाप रे बाप, ना बंदा ना बंदे की जात। क्या हालत होता मेरा, मतलब वो क्या रात थी। इनफैक्ट ओगी भी डरा हुआ था उस दिन, सहम गया था वो।
देखिए हर जगह ऐसे ना पत्थर गिरे हुए, पता नहीं कब गिरा होगा ये, पीछे और भी था, ये तो बहुत ज्यादा है, पीछे ऐसे छोटे छोटे पत्थर हर जगह गिरे हुए हैं, पता नहीं कब गिरा होगा। मुझे डर लग रहा है कि जाते वक्त मेरे सामने ना गिर जाए, मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, बहुत खतरनाक वाला सिचुएशन है ये रोड, पत्थर वाला पहाड़ है और ढीला ढीला सा हो रखा है पत्थर, जैसा लग रहा है कि नहीं अभी गिर जाएगा। वो देखो हर जगह छोटे छोटे ये देखो ये पत्थर गिरे हुए हैं ऐसे। रास्ता साफ कर रहे हैं लैंडस्लाइड, अभी मुझे इस रास्ते जाना है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ आते वक्त मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी मोबाइल का, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया था, तो इसी रास्ते आया था मैं। ये भी खतरनाक वाला रोड है भाई साहब। सोचिए जब मैं आया था इस सुनसान रास्तों से, एक भी गाड़ी नहीं थी, एक भी बंदा नहीं था, मतलब बिल्कुल सुनसान। फर्स्ट गियर पे लगा के इंजन ब्रेक पे चल रहा हूँ। ऐसे जगह पर चढ़ाई पर तो ठीक है, लेकिन उतरते वक्त बहुत रिस्की हो जाता है। नीचे से आना है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। सोलो ट्रैवल करने से ना ये एक दिक्कत है, आप हर जगह अकेले होते हो, कोई सहारा नहीं होता आपका जो कोई आपको बूस्ट करे, या फिर एक साथ में बगल में कोई एक बंदा हो ना तो बस। पहला देखो हालत, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, और करो सोलो ट्रिप। तेरी का अरे यार मोमेंटम खराब हो गया, अब तो स्कीट करेगा टायर नहीं। चलो पहला पड़ाव सक्सेसफुली पार कर लिया, ये मेरा दूसरा पड़ाव शुरू, ये दूसरा पड़ाव है। ओह माय गॉड हालत खराब है ये तो बिल्कुल। अरे ये तो रास्ता ही बंद है यहाँ से, तो कहाँ से था रोइंग का रास्ता? बाप रे बाप भैया, रोइंग के लिए रास्ता कौन सा है? अच्छा ये नीचे से, अच्छा मैं उधर आगे चला गया था बिल्कुल, ठीक है जी। कैमरे पे पता नहीं कितना समझ पा रहे होंगे आप लोग, बट बिल्कुल ऐसा स्टीव है, बिल्कुल ऐसा ढलान है। ऑगी भी इस, याद है तुझे ऑगी, यहाँ पे तो सुसु करने निकला था और भाग गया था गाड़ी में, उसे भी डर लगता है। देखो समझ जाता है वो भी, सेंस कर लेता वो। यहाँ पे हम लोग रुके थे, हम लोग कितना घबरा गए थे है ना बाबा। देखो जय सियाराम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
बड़ा डर लगता है ऐसे रास्तों में ना, बड़ा डर लगता है। गला सूख जाता ना ऐसे रास्तों पे चलाते टाइम। नीचे एक बेहद खूबसूरत गांव बसा है, देखा आपको, वो पीक नीचे झरना बह रही है। ये तीसरा पड़ाव, आगे से रास्ता बंद है, यहाँ से डाइवर्शन है, एग्जैक्टली ऐसा ही है ये भी। आप लोगों को लगता होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, इतना कुछ आप लोगों को शायद ऐसा लगे कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट सही में ना कैमरा में शायद इतना जस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन कसम से बोल रहा हूँ काफ़ी डेंजरस रोड है। अब ये देख लो, इसी को ही देख लो आप, देखा तो चर ही नहीं पा रहा है, ये सबसे खतरनाक वाला स्टीव है, पर ये और चर जाए ना बस। ओके पीछे प्लीज, पीछे पीछे पीछे, अरे बाप रे बाप यार, मुझसे ये गाड़ी नहीं चल रही है, आप चरा दोगे? देखो वो भी नहीं चला पा रहा, पूरा जल गया टायर, पूरा टायर जलने की बदबू आ रही है, भगवान चला दो बस बस। चर गया 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 चर गया, आजा देखो पूरा टायर जलने का बदबू है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, ओके। ओह गॉड, पता नहीं मैं चरा पाता या नहीं, बट अगर कोई नहीं होता, पूरा टायर जल गया यार, पूरा टायर जलने की बदबू, ओह माय गॉड। अब नीचे लगा भी होगा या नहीं, नहीं लगा होगा, मैंने देखा था पीछे से ना, नीचे खास लगा नहीं। और करो एडवेंचर, और करो सोलो एडवेंचर, ऐसे रास्तों पे चरा नहीं सकते, चले एडवेंचर करने। बट हाँ अगर कोई नहीं होता तो मुझे चराना ही पड़ता जैसे भी, खींच खाच के। खराब रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ओगी ने बड़े बड़ा परेशान करता है मुझे, मुझे लगता है ना सामने अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करवाना पड़ेगा। ये लास्ट पड़ा हुआ है वक्त ना, यहाँ पे गाड़ी मेरे नीचे से लग गई थी वीडियो बनाने के चक्कर में। ये तो लग रहा है मुझे इतना ठीक ठाक ही लग रहा है, ये मुझे दिक्कत देने वाली है नहीं, बस ये पार कर गया ना उसके बाद रोड साफ है, मतलब कच्चा रोड और नहीं मिलेगा। अभी गाड़ी आना था तुझे भी यार, मोमेंटम खराब कर देता है इन लोग, आ जाओ यार आ जाओ, और तू बीच में मत आ, हमेशा बीच में आएगा तू, चौधरी बना फिरता है तू हमेशा, चला ले खुद ही चला ले तू, जब इतना फिकर है तुझे आके चला ले। एक तो फटी पड़ी है मेरी और ऊपर से तू परेशान करने आ जाता है सामने हमेशा। सोनिया बाबा चुमू चुमू, गुड बॉय। अयोध्या पास हम पहुंचने वाले हैं बस, तो ये है अयोध्या पास 8711 फीट ऊपर, अभी फिर हम लोग उतरेंगे नीचे। सो फाइनली वी
reached our homestay and this is straight on the roadside. This is my car and this is the homestay. Hobby's there. It's a nice one. Big room, I must say. काफी बड़ा रूम है ये. काइंड ऑफ लिविंग है. छोटा सा डाइनिंग स्टे. रुक जा खोल देता हूँ. रुक जा. दिस इज़ द बेडरूम. वॉशरूम बिग वन. दिस इज लॉक्ड एंड दिस इज सेपरेट किचन जो मुझे यूज नहीं करना है. दिस इज लॉन्ड्री. नाइस वन. एंड देयर इज टू फॉर ओनली 1K. 1000 में और क्या चाहिए इससे ज़्यादा. तो इतनी बड़ी अब इतना बड़ा घर मिल चुका है एक रात के लिए. तो आराम से. स्कूबी भी मस्त है, घूम रहा है वो पूरे कमरे में. अच्छा है. सो थोड़ा सा इशू हो गया था बाय द वे. वो आई डोंट नो, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था पेट को लेके. जिनके साथ मेरी बात हुई थी वो ओनर की डॉटर है. तो उनको जो उनके फादर है वो अलाउ नहीं कर रहे थे पेट को लेके. मैंने कहा ऐसे कैसे. मैंने कंफर्म करके मैं आया कि पेट फ्रेंडली है. तो थोड़ा बहुत बातचीत हुई देन दे जस्ट अलाउड इट. सो दैट्स इट. 300 के आराम से पहुंच गए. देखा ही आपने रास्ते में क्या हुआ. काफ़ी सारा एडवेंचर. एंड टुमारो वी विल लीव फॉर तवांग. देखते हैं बीच में अगर कुछ स्टे होगा देन विल डिसाइड, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी दूर है तवांग. सो टिल देन, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. इट बूस्ट मी अ लॉट. सो दैट्स इट. शुभ रात्रि. थैंक यू. गुड नाइट.